हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो सीसेट पेपर 2 की T5 सीरीज़ के अंदर आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। क्लियर है? तो पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो टाइम एंड वर्क के अंदर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेजेस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और कई बार आपके पास में पाइप एंड सिस्टर्न बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए पर्सन, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए, वो काम को 10 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। दे पर्सन बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। एक दूसरा पर्सन है, वो काम को 15 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता है। देन द क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क। देखो बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को आता है। आपको अगर मैडम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कराने लगे, बट मैं अभी एक आपको कंसेप्ट दे रही हूँ, मैं एफिशिएंसी बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाऊंगी एफिशिएंसी के ऊपर। तो आपको पहले कंसेप्ट समझना है, और उसके बाद में इसी मेथड से हम सभी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, इसका 30 आ गया। क्लियर? अब एलसीएम 30 है, दैट मींस अब हम ये मान के चलते हैं दिस इज द टोटल वर्क, दिस इज द टोटल वर्क। अब जो ए है, ए की एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, 30 डिवाइडेड बाय 10 मींस 3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है यहां पे, 3। 30 डिवाइडेड बाई 15, बी की एफिशिएंसी है यहाँ पे 2। अब देखो एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी इज वर्क डन पर डे, वर्क डन पर डे। एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, वर्क डन पर डे, एक दिन के अंदर कितना काम किया है। ठीक है जी, पर डे। क्लियर? हाँ जी। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि टोटल हमारे पास में 30 यूनिट ऑफ वर्क है, जिसके अंदर से ए वन डे के अंदर 3 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेता है, और बी वन डे के अंदर 2 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेता है। अब क्वेश्चन क्या है कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास में टोटल वर्क इज 30 यूनिट्स। ठीक है, एंड ए कैन कंप्लीट 3 यूनिट्स एंड बी कैन कंप्लीट 2 यूनिट्स, दैट मीन्स बोथ विल कंप्लीट 5 यूनिट ऑफ वर्क इन वन डे, 5 यूनिट ऑफ वर्क इन वन डे। कितने दिनों में कर रहा है, एक दिन के अंदर। ठीक है जी, अब 30 यूनिट कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे वो। हाँ जी, तो 30 यूनिट कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, सिंपल सा है, ये हो जाएगा आपके पास में 30 डिवाइडेड बाय 5, सो दे विल कंप्लीट द होल वर्क इन 6 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 6 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आई होप बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। तो जो सिंपल सा फंडा है वो क्या है कि अगर आपको डेज फाइंड आउट करने हैं तो डेज कितने दिन कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल वर्क, हाँ जी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। अब अगर कहता है कि हाँ जी दोनों ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया है, तो दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर किसी सिंगल पर्सन का पूछता है तो उस सिंगल पर्सन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अब मान लीजिए उन्होंने ये जो वर्क किया है उसके लिए उनको 500 रुपीज मिलते हैं। क्लियर है? जो टोटल वेजेस है, दे गेट 500 रुपीज फॉर दिस वर्क, देन इन विच रेशियो द 500 रुपीज विल डिवाइड और द वेजेस विल डिवाइड, या फिर क्वेश्चन आ सकता है हाँ जी बताइए कि व्हाट इज द शेयर ऑफ ए और बी। क्लियर? एक्सक्यूज। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में, यहाँ पे देखो जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है कितनी है, 3:2 है। क्लियर है? एंड बोथ वर्क सेम डेज, सेम डेज मतलब कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं 6 के 6 डेज, दोनों ने लगातार काम किया। ऐसा तो नहीं है कि ए ने 2 दिन किया है, बी ने 3 दिन काम किया है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो उनका जो वेजेस है वो किस रेशियो में डिवाइड होगी, उनके वर्क डन के अकॉर्डिंग रेशियो जो है डिवाइड होगा।
ठीक है, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 3:2 के अंदर डिवाइड हुआ, दैट मीन्स दिस 5 इज इक्वल टू, हाँ जी 5 इज इक्वल टू है आपका कितना 500 के इक्वल गिवन है, सो 1 will be equal to 100 एंड 3 will be equal to, जो 3 है 3 किसके इक्वल हो जाएगा 300 एंड 2 will be equal to 200, क्लियर हो गया। आंसर आ गया कि अगर उनकी जो वेजेस है 500 है, देन ए विल गेट 300 रुपीज़ एंड बी विल गेट 200 रुपीज़, सिंपल। हाँ जी, अब बात करते हैं हम पाइप एंड सिस्टर्न की। तो पाइप एंड सिस्टर्न के अंदर क्या है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व आपने ऐसे ही करना है जैसे ये वाला है, जस्ट वर्डिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि ए पाइप ए कैन फिल द सिस्टर्न और टैंक और टब इन 10 डेज, लेट से 10 डेज ले लेते हैं। यहाँ पे सेम ही ले रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ। कह रहे हैं कि जो पाइप ए है दैट कैन फिल द सिस्टर्न इन 10 डेज, डेज तो ज़्यादा हो जाएंगे, आवर्स ले लेते हैं, इन 10 आवर्स, ओके। एंड द पाइप बी कैन फिल द सिस्टर्न इन 15 आवर्स, क्लियर। अगेन, अब हमें नहीं पता कि जो हमारा सिस्टर्न है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। यहाँ पे आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, देन द टोटल कैपेसिटी आ गई आपकी, हाँ जी, जो टोटल कैपेसिटी, तो ये क्या आ गया आपके पास में, टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न, जो सिस्टर्न है आपकी उसकी टोटल कैपेसिटी आ गई है, क्लियर। मींस कि जो हमारी टैंकी है उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि उसके अंदर 30 यूनिट ऑफ वाटर आ सकता है, क्लियर है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो ए है उसकी फिलिंग एफिशिएंसी क्या है, तो फिलिंग एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, इसको जब आप डिवाइड करोगे अगेन 3 and 2, दैट मीन्स ए कैन फिल 3 यूनिट ऑफ वाटर इन 1 आवर एंड बी कैन फिल 2 यूनिट ऑफ वाटर इन 1 आवर, क्लियर। सो जहाँ पे भी अगर अपने पास में जो टोटल टाइम लगेगा, देन द टोटल टाइम विल बी टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल एफिशियंसी, यही होता है हमारे पास में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल वर्क नहीं है तो टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न मीन्स कि टोटल उसको कितना फिल करना है डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी, तो यहाँ टोटल एफिशिएंसी विल बी 5 एंड दिस विल अगेन 6, दैट मीन्स द सिस्टर्न विल फिल इन 6 आवर इफ बोथ द पाइप ए एंड बी विल ओपन, क्लियर है। हाँ जी, तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो कि 2015 के अंदर सीसेट पेपर 2 के अंदर था। देखिए क्या है क्वेश्चन, टू पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल ए टैंक कम्प्लीटली इन 20 and 30 minutes। दो पाइप्स हैं ए और बी, ये आपके 20 and 30 minutes के अंदर टैंक को फुल करती है। देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो अगर दोनों की दोनों पाइप्स को साथ में ओपन कर दिया जाए, देन दे विल टेक हाउ मच टाइम, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगेन वैसे ही करेंगे, आपके पास में दो पाइप्स हैं ए एंड बी, ए विल टेक 20 मिनट्स एंड बी इज टेकिंग 30 मिनट्स, क्लियर है। हाँ जी, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम टैंक की कैपेसिटी देखते हैं कि टैंक के अंदर कितना वाटर आ सकता है। तो यहाँ पे आप जब एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास में आ गया 60, देन द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 एंड द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 2, क्लियर है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपके पास में, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाई द टोटल एफिशियंसी ऑफ द पाइप्स, देन इट इज 60 डिवाइडेड बाई, हाँ जी, दोनों की मिला के देखो, इसका हो गया 3 plus 2 is equal to 5 एंड दिस इज 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 12 मिनट्स, क्लियर। सो आंसर विल बी बी, आई होप क्लियर है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, सी सेट के अंदर बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, पिछली क्लास में मैं यही कह रही थी, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। बस थोड़े से इजी क्वेश्चन होंगे और उनको थोड़ा सा घुमा के दे रखा होता है,
क्वेश्चन को, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो कि क्वेश्चन के अंदर आप क्या पूछा हुआ है, तो आप उसको बड़ा ही इजीली कर लोगे। तो देखिए, कोई मुश्किल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पेजेस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाई सी इन 2 more days, इफ दे गेट 3000 एज वेजेस फॉर द होल वर्क, वट इज द डेली वेजेस ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास में ए गिवन है एंड बी का टाइम गिवन है, ठीक है। जो ए और बी है, ए कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, 10 डेज के अंदर, क्लियर है, एंड बी आपका 15 डेज के अंदर। यही सेम ही आपकी जो डेज हैं वो हमने एग्जांपल पे भी डिस्कस किए थे, तो बड़ा इजीली मेरे ख्याल में यहाँ पे आप कर लेंगे। क्या है, 30 आ गया आपका टोटल वर्क, और टोटल वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए की एफिशिएंसी है 3 एंड बी की एफिशिएंसी है 2, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज। अब देखिए, ए एंड बी जो है आपकी, ए और बी है, तो ये यहाँ पे जो टोटल एफिशिएंसी है, मींस वन डे वर्क, इनका वन डे वर्क कितना है, वन डे वर्क मींस देयर एफिशिएंसी, वन डे वर्क इज 5 कैसे हो गया, 3 + 2 = 5, एंड इन्होंने कितने दिन काम किया है इकट्ठे, 5 डेज टुगेदर वर्क किया है, तो यहाँ पे 5 डेज का जो वर्क है वो कितना आ गया, 5 डेज में वो कितना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, 5 × 5 दैट मीन्स 25 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा आपका, यहाँ पे इतना वर्क हो गया आपका, क्लियर है। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है आपका यहाँ पे, अब देखिए टोटल वर्क कितना था, 30 यूनिट के अंदर से 25 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बच गया आपके पास में, 5 यूनिट बच गया, हाँ जी, क्लियर है। यहाँ से कितनी यूनिट्स है आपके पास में, 5 यूनिट ऑफ वर्क इज रिमेनिंग। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेस्ट ऑफ द वर्क मीन्स द रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड बाई सी इन 2 more days, जो ये 5 यूनिट ऑफ वर्क है इसको सी ने 2 डेज के अंदर कंप्लीट किया है, दैट मीन्स जो सी है, सी 1 डे के अंदर कितना काम कंप्लीट करता है, जब 2 डेज के अंदर वो 5 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा, 5/2, हाँ जी, क्लियर है, ओके। अब आगे देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास में ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2, एंड यहाँ से आपके पास में जो सी है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 5/2, क्लियर, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि इफ दे गेट 3000 एज द वेजेस ऑफ द होल वर्क, 3000 रुपीज़ उसको वेजेस मिल रही है, तो अगर यहाँ पे तीनों ने इक्वल डेज वर्क किया होता, तो आप इसकी जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग इस वेजेस को डिवाइड कर लेते, बट यहाँ पे इनके डेज ऑफ वर्किंग डेज जो हैं वो डिफरेंट है, ए एंड बी ने 5 डेज वर्क किया है, एंड जो सी है उसने 2 डेज वर्क किया है, दैट मीन्स द वेजेस विल बी डिवाइड अकॉर्डिंग टू द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क, ए का जो टोटल वर्क है, जो ए है, ए का टोटल वर्क कितना हो गया, ए ने 5 डेज वर्क किया है, तो ए का टोटल वर्क कितना हो गया बच्चे, 5 × 3, बी का टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 2 × 5 दैट मीन्स 10, एंड जो सी है, सी का टोटल वर्क कितना हो गया, 5/2 × 2 दैट मीन्स 5। तो यहाँ पे जो आपका जो टोटल है वेजेस वो कैसे डिवाइड होंगी, 3:2:1 के अंदर डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब मिले कितने से टोटल, 3000, तो यहां से देखिए टोटल आपके रेशियोज का कितना हो रहा है, 5 + 1 = 6, 6 = कितना है आपके पास में, 3000, 1 = है आपके पास में, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो गया बच्चे, 500, 1 किसके इक्वल हो गया, 500 रुपीज के। तो यहाँ पे देखिए कितना है, ए इज इक्वल टू 3 है, मतलब जो रेशियो है 3 है, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1500 के इक्वल हो जाएगा, ए जो है कितना हो गया 15, बी को कितना मिलेगा, 1 = 500, 2 मीन्स कितना हो गया, 1000, एंड सी जो है उसको कितना मिलेगा, 500,
क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो। बट अब आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। व्हाट इज देयर डेली वेजेस, डेली वेजेस पूछी है उसने। तो डेली की अगर हम बात करें तो ये इसका कितने दिनों का है? जो ए है उसने 5 डेज वर्क किया है। हमें पता है कि जो ए है उसने 5 डेज वर्क किया है, बी ने भी 5 डेज वर्क किया है। जो बी है उसने भी 5 डेज वर्क किया है, ठीक है, और सी ने कितने दिन वर्क किया है? 2 डेज। तो जो ए है, ए की एक दिन की जो वेजेस है वो कितनी हो जाएगी? 5 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स ये आपके पास में कितना आ गया? 300। दिस इज 1000 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 200। एंड 500 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2500। क्लियर है? तो टोटल जो अपने पास में ए है, ए का है आपके पास में 300 पर डे, 200 पर डे एंड 250 पर डे, और ये कौन सी है? ऑप्शन बी है। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, समझ लीजिए। ए और बी कह रहा है कि 10 एंड 15 डेज में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया एंड द टोटल वर्क इज 30 यूनिट्स। क्लियर है? अब उसने साथ में कहा है कि ए और बी ने 5 डेज वर्क किया है, तो 5 डेज का उनका हम वर्क निकालेंगे, तो 5 डेज का 25 यूनिट्स वर्क हो गया। देन द रिमेनिंग वर्क इज 30 माइनस 25, दैट मीन्स 5। तो अब यहाँ पे जो 5 वर्क है ये सी ने 2 डेज के अंदर कंप्लीट किया है। सी ने 2 डेज के अंदर 5 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट किया है। देन सी इज 1 डे वर्क इज 5/2, दैट मीन्स एंड द 1 डे वर्क इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज द वर्क डन पर डे। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से आपके पास में कितनी आ गई है? 5/2 आ गई है। देखिए कंफ्यूज ना होइए, ये आपका नीचे अलग है, यहाँ पे देखिए ये ए की एफिशिएंसी है 3 बी की, और ये यहाँ से आपके पास में सी की एफिशिएंसी जो है वो कितने आ गई है? यहाँ से 5/2। क्लियर? अब देखिए उसके बाद में क्या कहा है कि टोटल वेजेस है 3000। अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेज वर्क किया है, तो यहाँ से हम इनका टोटल वर्क के अकॉर्डिंग, इनकी एफिशिएंसी और वर्क डेज के अकॉर्डिंग हम इनकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे रेशियो आ गया आपके पास में, ये 15 कैसे आया? 15 आया है आपका कि जो 5 डेज है, ए ने 5 डेज वर्क किया है और 1 डे का वर्क कितना है उसका? 3 यूनिट्स। तो 5 डेज का कितना हो जाएगा? 15। बी ने 5 डेज वर्क किया एंड 1 डे एफिशिएंसी इज 2, तो ये हो गया 10 और इसका हो गया आपके पास में 5। क्लियर है? तो यहाँ पे इनकी रेशियो आ गई, इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया है 3000 को। तो यहाँ पे आपके 3000 को डिवाइड तो कर लिया, बट उसने पूछा डेली वेजेस। डेली वेजेस मीन्स 1 डे वेजेस। तो 1 डे वेजेस कैसे निकालेंगे? इसने 5 डेज वर्क किया है, तो 1500 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 300। दे हेयर 1000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 200 एंड 500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 250। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, जो कि आपका सीसेट 2016 के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या है? W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज, X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, Y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज एंड Z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट? तो पहले काम कौन कंप्लीट करेगा? यहाँ पे देखिए जो बंदा सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है, वो सबसे पहले काम करेगा। सिंपल सी बात है कि जो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, जो काम को सबसे कम दिनों के अंदर कंप्लीट करेगा, ठीक है ना, जो सबसे कम डेज लेगा कंप्लीट करने के लिए, तो वही फास्ट होगा। क्लियर? अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे 25% वर्क दे रखा है, यहाँ पे 1/4 ऑफ वर्क दे रखा है। तो हमेशा जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क आपका आप किसके अकॉर्डिंग कंसिडर करके चलते हो कि जो टोटल वर्क है वो कितना होता है? 100%, या फिर आप क्या कह सकते हो? हाँ जी, टोटल वर्क इज 1, क्योंकि 100% इज इक्वल टू कितना होता है? 1, अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि W कैन डू 25, पहले हम W की बात कर रहे हैं, W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज। 25% जो वर्क है वो 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो 100% कितने में करेगा? 25% क्या होता है आपके पास में? देखिए 25% इज इक्वल टू होता है 1/4,
वन बाई फोर होता है, कैसे आया 25 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल, मैंने परसेंटेज वाला जो आपका कंसेप्ट करवाया था वहाँ पे कराया था, तो यहाँ पे देखिए क्या है 25 बाई 100, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1/4, आई होप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/4 वर्क जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 30 डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो 100% जो वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, हाँ जी 100% वर्क 1/4 है तो 4 टाइम लेगा ये, तो 30 × 4 कितना हो गया आपके पास में 120 डेज के अंदर इसको वो कंप्लीट करेगा। क्लियर, हाँ जी। अब देखते हैं, बात करते हैं हम एक्स की, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्स है वो 1/4 ऑफ वर्क जो है उसको कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, 10 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट वर्क जो वन कंप्लीट वर्क है वो कितने डेज में करेगा, वो 40 डेज में कंप्लीट करेगा। सिंपल है, हाँ जी आसान है, पॉइंट समझ आ रहा आई होप। उसके बाद में बात करते हैं हम वाई की, वाई जो है वो 40% वर्क जो है, 40% वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 40 डेज में, तो 100% कितने दिनों में करेगा, ऑब्वियसली 100 डेज में, 40% 40 डेज, 10% 10 डेज, 100% 100 डेज, तो ये 100% वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेगा आपका, हाँ जी जो 100% ऑफ वर्क है वो हो जाएगा कंप्लीट आपका 100 डेज के अंदर, हाँ जी क्लियर है। अब बात करते हैं हम आपके पास में कौन रह गया, जेड, तो जो जेड है, जेड क्या कह रहा है कि 1/3 वर्क जो है, 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीट इन 13 डेज, सो कंप्लीट वर्क, तो जो जेड है जेड कंप्लीट कितने में करेगा, नीचे कर लेते हैं इसको, इधर लिख देते हैं, जेड का हाँ जी देखिए बताइए मुझे फिर जो जेड है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वर्क को, तो जेड यहाँ से ऑब्वियसली जो जेड है आपका, यहाँ पे करते हैं जेड को, तो जेड जो है 1/3 वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 30 डेज में, 13 डेज में, क्लियर है। सो कंप्लीट वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 39 डेज में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा W था वो कितने डेज ले रहा है आपका, 120 डेज W, ठीक है, X 40 डेज काम को करने में, और Y जो है वो 10 डेज, और Z कितने डेज ले रहा है आपका 39 डेज, दैट मीन्स फास्टर कौन हो गया, सबसे ज़्यादा फास्ट कौन है, Z है, क्योंकि जो Z है वो सबसे कम डेज ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो सबसे फास्ट होगा वही इस काम को पहले करेगा, सो Z विल कम्प्लीट द वर्क फर्स्ट, तो यहाँ से आंसर आ गया आपके पास में जेट। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, जो पी है वो 3 गुना फास्ट काम करता है क्यू से, वेयर एज पी एंड क्यू टुगेदर कैन वर्क 4 times एज फास्ट एज आर, इफ पी क्यू आर टुगेदर वर्क ऑन ए जॉब इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द अर्निंग, तो वो अपनी अर्निंग को कैसे शेयर करेंगे, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग शेयर करेंगे, ओके तो स्टूडेंट जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। अब रजिस्टर करने का लिए जो फ़ायदा है वो क्या है कि रजिस्टर अगर आप करते हो तो आप हमारे पोर्टल के ऊपर जब जाते हो तो वहाँ पे हमारी जितनी भी अभी तक वीडियोज़ आई है, अब आपकी 10th वीडियो है, ठीक है, तो 10th वीडियो दैट मीन्स कि 10 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और 10 टॉपिक आपको बिल्कुल सीरियल वाइज मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप उसको 1 by 1 करके देख सकते हो, क्लियर है। और इसके अलावा जो भी आपके अपडेट्स आएंगे तो वो भी आपके पास में मैसेजेस पहुँच जाएंगे, तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर कर लीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या था, पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, दैट मीन्स पीज एफिशिएंसी इज 3 times ऑफ क्यू, तो क्यू की एफिशिएंसी हम कंसीडर कर लेते हैं 1, तो पी की कितनी हो जाएगी आपकी 3, क्लियर। अब कह रहा है वेयर एज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू मीन्स पी प्लस क्यू जो है, पी एंड Q
क्या टुगेदर कैन वर्क फोर टाइम्स, तो टुगेदर कितना है उनका, देखिए यहाँ पे 3 + 1 = 4, ये क्या है फोर टाइम्स फास्टर एज आर, मीन्स पी क्यू जो है वो आर से फोर टाइम्स फास्टर है, तो आर कितना हो गया हमारे पास में 1 हो गया, क्लियर है, मीन्स जो आर है 1/4 टाइम हो गया आपका पी प्लस क्यू से, तो यहाँ से अगर हम आर की बात करते हैं तो आर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कैसे आया देखो दोबारा से बता रही हूँ, यहीं पे बच्चे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को, क्या है कि वेयर एज पी एंड क्यू टूगेदर कैन वर्क फोर टाइम्स, पी एंड क्यू टूगेदर इज फोर टाइम्स देन आर, दैट मीन्स आर इज 1/4 ऑफ पी प्लस क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, तो जो उनकी एफिशिएंसी की रेशियो है वो कितनी आ गई 3:1:1 एंड द अर्निंग विल डिवाइड अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी, सो द अर्निंग विल आल्सो डिवाइड इन द रेशियो 3:1:1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3:1:1 आ जाएगा, क्लियर है, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी देखिए क्या है, ए लिफ्ट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 18 अडल्ट और 30 चिल्ड्रन, एक लिफ्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, या तो उसके अंदर 18 अडल्ट्स आ सकते हैं या फिर 30 चिल्ड्रन आ सकते हैं, क्लियर है, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 अडल्ट्स, क्लियर, सिंपल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए 18 अडल्ट्स या फिर 30 चिल्ड्रंस, मीन्स क्या है 18 अडल्ट्स आर इक्वल टू 30 चिल्ड्रन, दैट मीन्स 1 अडल्ट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 18 चिल्ड्रन, ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको देखो 6 की टेबल से जा रहा है ये, तो ये यहाँ पे आ गया आपके पास में 5 एंड दिस इज 3, दैट मीन्स 1 अडल्ट इज इक्वल टू 5/3 चिल्ड्रन, ओके, हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 अडल्ट्स, अब यहाँ पे हमारे पास में जो लिफ्ट है दैट कैन बोर्ड विद 18 अडल्ट्स, तो 18 अडल्ट्स को आप कैसे लिख सकते हो, 18 अडल्ट्स इज इक्वल टू भाई 12 अडल्ट्स तो हैं ही उसके पास में, 12 अडल्ट्स प्लस सिक्स एडल्ट्स, ठीक है, एंड दिस सिक्स एडल्ट्स विल बी इक्वल टू, अब अगर हम इस सिक्स एडल्ट्स की बात करें तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, चिल्ड्रन के अंदर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया था कि 1 एडल्ट इज इक्वल टू 5/3, देखिए अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था क्या कि 1 एडल्ट इज इक्वल टू कितना है 5/3 चिल्ड्रन, सो 6 एडल्ट विल बी इक्वल टू 6 एडल्ट किसके इक्वल हो जाएंगे आपके पास में 5/3 इंटू 6 चिल्ड्रन, सिंपल है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, हाँ जी 10 चिल्ड्रन, देन मीन्स इसकी 6 एडल्ट आर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, सो यहाँ पे आपके पास में साथ में जो कितने आ जाएंगे 10 चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन क्या था हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विद 12 अडल्ट, तो 12 अडल्ट के साथ में कितने चिल्ड्रन जाएंगे 10 चिल्ड्रन, सो आंसर विल बी बी, क्लियर है स्टूडेंट्स, मैंने देखो जितने भी आपके क्वेश्चंस आए 2019 के अंदर नहीं था आपका, बट 750 आपने देखा है कि 13, 14, 15, 16, 18 सभी के अंदर आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे आया हुआ है, पर जो क्वेश्चन है वो देखो हर बार थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, दैट मीन्स कि जितनी भी आपके टाइप्स टाइम एंड वर्क पे बनती है तो वो आपको सभी की सभी करनी है, क्लियर, और बिल्कुल ही इजी है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करोगे कंसेप्ट को क्लियर करके चलते हो तो आप इसको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को बड़ा ही इजीली कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, तो कल आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे, थैंक यू सो मच।